रही मैं हूँ एहसान हैदराबाद से, और आप देख सकते हो ये छतरी वाले कबूतरों को कैसे ट्रेन किया जाता है। देखो भाई, पहले आपको नीचे छतरी लगानी है जिस तरफ आप देख सकें, और बांध सके इनको रस्सी, डोरी लगा सके आप। ये देखो भाई, इस तरीके से बिल्कुल नीचे तकरीबन 5 फुट 4 फुट पे ऊपर इन्हें स्टिक लगानी है। ये देखो भाई, और गर्मियों का मौसम आ गया है तो बाजियों के लिए कबूतर तैयार करने पड़ते हैं पट्ठे, वो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करेंगे, आपको डिटेल के साथ बताएंगे। इनका देसी नुस्खा आपको बताएंगे परवाज़ के लिए, इनके लिए गर्मियों के लिए ठंडा पानी भी, वो भी आपको बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल्कुल आपको डंडी ऐसे लगानी है 5 फुट की 4 फुट की, उनके ऊपर आपको ये डाल रखना है छतरा, जो आपको भी दिख सके, नज़र आ सके तो कैसे लगा हुआ है। ये देखो भाई, बिल्कुल नीचे है, वो 3 पट्ठे मैंने बांध दिए, एक बंदा पड़ा है, 2 खुले पड़े हैं। देखो भाई, आज पहला दिन है फिर भी ऐसे ही पड़े हैं, कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रहे। ये देख लो भाई, इनको कैसे ट्रेन किया जाता है, इस चैनल पे आपको पूरी मालूमात मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर जो भी मालूमात चाहिए छतरी वाले कबूतरों की वो आपको मिलेगी, जोड़ों की भी मालूमात आपको मिलेगी, कैसे जोड़ा लगाना है, और परवाज़ के लिए भी आपको मालूमात मिलेगी पट्ठों की, कैसे इनके परवाज़ लेनी है। आप देख सकते हो कैसे आराम से बैठे हुए हैं, कोई बंदा हुआ नहीं है, एक ही बंदा हुआ है जो नीचे बैठा हुआ है। ये देखो भाई, बाकी 2 ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये देखो भाई, कितने प्यारे शानदार लग रहे हैं, और ये हम आपको उड़ा के दिखाएंगे 3 4 5 दिन के बाद। भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।